Hello everyone and good evening. So first of all, thanks for registering for this session, Exploring MS Word. So it's a very positive initiative that one of our colleagues has come forward to take a session. And it's quite a relevant topic. I think all of us use MS Office, and MS Word would be the, I think, most used application. Next would be MS Excel. We already had a workshop on Excel by Srijit earlier, and today we are having Tenils, and he'll take us through MS Word. So we had specifically asked for queries, if any, and some of you have shared your queries with Tenils. He would try to cover some of them today. And he'll explain how he wants to go about the session. I think the first half, he would explain some key features, the importance of MS Word, and then he would start taking on your queries, right? So why it's important? It's very important because only hard work doesn't help. Smart work is also important. And once we have these skills, we know the shortcuts, we know how to save time, I think we can deliver more in less time, right? So all over to Tenils. Can we have a big round of applause for him? And I would like, and we would at SDC appreciate such initiatives, and we want that more people come forward, right? I've said that duration of session doesn't matter. If you have a topic of half an hour, maybe 2-3 people together, and we can have one session, right? All over to Tenils, please. Thank you, sir. Thank you, all of you, to come here. Today, I just give you an overview of MS Word. Actually, I am not such an expert on MS Word, but let me try to convey the message of what I am knowing and how I am working only. मैं इंग्लिश में बात करूँगा तो क्योंकि वो ईजी रहेगा समझाने के में उसमें अब तक तो मैं जब तक वर्ड यूज़ कर रहा था पहले एक्चुअली पेज मेकर यूज़ करता था तब वर्ड थोड़ा बहुत आता था लेकिन मैं सीखा ऐसे ही दूसरे कलीग से और उससे ही तो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया जैसे ज़रूरत होती रही वैसे सीखता गया आगे बढ़ता रहा और गूगल और ये सब तो है ही तो सब कुछ मिलता ही है हमको लेकिन कुछ क्वेरीज़ जो अभी आपके साथ भी काफ़ी टाइम से जब काम करता हूँ तो मिलती है क्वेरीज़ ये करें कैसे करें वो करें तो इसलिए मैंने सोचा कि एक सेशन होना चाहिए तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं पहले एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करेंगे ईजी फॉर्मेटिंग एंड यूजफुल फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ईजी फॉर्मेटिंग कुछ बहुत हार्ड करना नहीं है क्योंकि बहुत बहुत बड़ा पब्लिकेशन हमको करना नहीं है पब्लिकेशन गौरव करेगा और उसके लिए बड़ा प्रोग्राम भी चाहिए और यूजफुल फीचर्स जो है जो हम रूटीन यूज़ करते हैं वो सब हम देखेंगे एक ब्रीफ है MSW मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कि जब से वो शुरू हुआ 1989 वो भी धीरे धीरे डेवलप होते होते अभी ये स्टेज पे आया है 1989 मतलब 30 ईयर्स हो गए उसके और अभी 2010 13 और 2019 चार ऐसा वर्जन्स है जो अभी सपोर्टिंग है बाकी पुराने ओल्ड वर्जन हो गए जो अभी सपोर्टिंग नहीं है या जिसके पास पुराने कंप्यूटर्स होंगे वो चलाते होंगे MS Word also ऑपर Mac ऑपरेटिंग सिस्टम एंड MS DOS जो अभी बहुत कम यूज होता है Mac ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं MS Word इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अलग अलग सभी सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे पावर पॉइंट है एक्सेस है एक्सेल है तो उसके साथ MS Word होता है जो आप सब जानते ही है यूजेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अलग अलग यूजेस करते हैं सभी उसमें लेटर नोटिंग ड्राफ्टिंग है पब्लिशिंग है बुक पब्लिशिंग और थीसिस राइटिंग उसमें हम यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट जब न्यूज़पेपर में छपती है तो न्यूज़पेपर के अलग अलग कॉलम्स होते हैं 6 कॉलम 8 कॉलम
तो 2.5 इंच मतलब 2.5 इंच का कॉलम होता है, तो उसके मुताबिक वो एडवर्टाइज में प्रिंटिंग होता है, तो वो भी अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, लेबल्स एनवेलॉप्स प्रिंटिंग के लिए, स्पेलिंग चेकिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, और PDF कन्वर्जन के लिए भी यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी सारे हैं, पर ये जनरल जो ऑन हैंड हम यूज़ करते हैं वैसा सब है. वैसे मैंने बोला कि जो हम ओवरव्यू मैं बताऊंगा बहुत डिटेल में नहीं जाना है, जो यूज़ करते हैं जनरल फीचर्स है वही देखेंगे, जिसमें पेपर सिलेक्शन, पेपर जनरली जब वर्ड शुरू करते हैं तो वो लेटर साइज डिफ़ॉल्ट लेता है, लेकिन बेटर होगा कि जब आप वर्ड शुरू कर रहे हो तो डिफ़ॉल्ट साइज़ A4 ले लें, क्योंकि हम प्रिंटिंग में कभी भी लेटर साइज़ में यूज़ नहीं करते. यहाँ पे जो भी हम पेजेस मंगवाते हैं वो A4 साइज़ होता है, उसका स्टैंडर्ड साइज़ है, और जब लेटर में आप प्रिंट करते हो तो उसकी मार्जिन्स ख़राब हो जाती है, मतलब लेटर का साइज़ चौड़ा होता है थोड़ा सा A4 से, तो जब आप प्रिंट करते हो ऑन यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सही दिखाई देगा क्योंकि वो लेटर साइज़ में ही दिखेगा, लेकिन जब आप प्रिंट निकालोगे तो मार्जिन में आसपास काफ़ी जगह मिल जाएगी, तो वो इसलिए हमेशा यूज़ करें कि A4 साइज़ में ही जो आपको प्रिंट कर, जिस पेज पे प्रिंट लेना हो, अगर A3 पे लेना हो तो A3 पेज सिलेक्ट करना, और अगर A4 लेना है तो A4 ही करें, लेटर में ना जाए. हेडर एंड फूटर, जो हेडर एंड फूटर हम यूज़ करते हैं, टेबल एंड टेबल हेडिंग्स, टेबल और टेबल हेडिंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैं समझाऊंगा आगे. लाइन स्पेसिंग, इमेज क्लीनिंग, जब हम कोई इमेज लाते हैं, कोई लेटर होता है, स्कैन करते हैं, स्कैन करके हम उसकी JPG जब वर्ड में इंसर्ट करते हैं तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जब प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट ठीक आती नहीं है, छोटा बड़ा हो जाता है, कितनी साइज़ का वो इमेज रखना होता है, कितनी साइज़ कट कर देनी चाहिए, क्या कैसे कंट्रास्ट और ब्राइटनेस करना चाहिए वो मैं दिखाऊंगा. कॉलम, कंपैरिजन ऑफ डॉक्यूमेंट, दो वर्ड के डॉक्यूमेंट है तो उसको कंपेयर कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि दो में क्या डिफरेंस है, पुराना वर्जन और नया वर्जन होता है, कभी कभी भूल जाते हैं कि कौन सा वर्जन पर था, तो अगर वो कंपेरिजन हम आता है तो फिर हम फट से क्लिक करके पता चल सकता है कि हाँ ये सही वर्जन है, इसमें कुछ करेक्शन किया हुआ है. एक्सेल टू वर्ड फॉर्मेटिंग, एक्सेल में काफ़ी सारे हम फार्मूलाज ये वर्ड डालते होते हैं, और वर्ड में जब लाते हैं तो वैल्यूज़ वो तो आ जाती है, लेकिन जब वो टेबल में आता है तो टेबल वर्ड के कंपेटिबल नहीं होता, कभी कभी उसमें जगह छूट जाती है, कुछ हेडिंग का वो लोचा होता है, आगे पीछे हो जाता है, तो वो देख लेंगे. नेम प्लेट कैसे प्रिंट करनी है, मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ नेम प्लेट कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए. एनवेलोप रेफरेंसिंग, हेडिंग क्रॉस रेफरेंसिंग, हेडिंग आपको दिखाऊंगा, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हेडिंग से भी लिस्ट ऑफ कंटेंट और टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स वो कर सकते हैं हम. पेज ब्रेक भी लास्ट जो 3 पॉइंट्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, रेफरेंसिंग, पेज ब्रेक और टेबल ऑफ कंटेंट, तो जब आप वो करते हो तो एक साथ ही एक दूसरे का कनेक्शन में काम करना पड़ता है. तो आगे देखते हैं, तो आप वर्ड में जाएंगे हम, लेट्स गो टू द वर्ड. हाँ, सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा कि कौन से मेनूज है और क्या क्या फंक्शंस है वहाँ पे. तो फाइल मेनू, जिसमें न्यू ऑप्शन, सेव, सेव एज, ये सब है. एक यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन करके है, ये ऑप्शन भी अगर आपको पता हो तो काफ़ी इसमें यूज़ कर सकते हो. जैसे इसमें जनरल में जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं उसमें मैं दिखा देता हूँ. प्रूफिंग में जब हम स्पेलिंग चेक करते हैं तो लाइंस आती है, रेड लाइंस एंड ग्रीन लाइंस, तो इसमें ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे प्रूफिंग में कि कौन से वो करेक्ट करेगा, मतलब वर्ड को बोले कि इग्नोर द वर्ड्स इन अपर केस, अगर अपर केस में हम कुछ लिखते हैं तो उसको इग्नोर कर देगा, वो चेक नहीं करेगा. इग्नोर वर्ड्स कंटेनिंग नंबर्स, नंबर्स जिसमें आते हो, कुछ बीच में नंबर डाले हो, ऐसा कुछ वो एक वर्ड में बीच में नंबर आया हो तो उसको इग्नोर करेगा, जैसे पासवर्ड और ये सब होगा तो उसमें इग्नोर करेगा जिसमें रेड लाइन या ग्रीन लाइन नहीं आएगी.
ignore internet and file address, flag repeated words, repeated वगैरह. अगर आप एक बार end लिखा फिर से दूसरी बार end लिखेंगे तो तुरंत वो line दिखाएगा कि यहाँ पे दो आया है. तो इसलिए अगर यहाँ पे टिक नहीं होगा तो वो नहीं दिखाएगा, यहाँ पे टिक करना ज़रूरी है. और ये सब इग्नोर 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 वो टिक कर देना तो ठीक है. अगर आपको ऐसा चाहिए कि अपर केस में भी वो सर्च करे तो फिर अपर केस का ये टिक निकाल देना, तो फिर वो उसमें भी वो अंडरलाइन दिखाएगा. चेक स्पेलिंग एज यू टाइप वो है, मार्क ग्रामर और ये सा काफ़ी सारे ऐसे फंक्शन है जो जब आप यूज़ करते रहोगे तो आपको जैसे जैसे ज़रूरत होगी ऐसे ऐसे आप यूज़ करते रहते. जो मेनली ये ग्रामर और स्पेलिंग चेक और इसके लिए है. आगे एक लास्ट में दो लाइंस है जिसमें हाइड स्पेलिंग एरर इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली, हाइड ग्रामर एरर्स इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली. तो स्पेलिंग एरर्स जिसमें स्पेलिंग एरर्स में रेड लाइन आती है और ग्रामर एरर्स में ग्रीन लाइन आती है. तो अगर रेड और ग्रीन लाइन हटाना हो तो ये दो ऑप्शंस क्लिक कर सकते हो. अगर कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है उसमें नेम्स काफ़ी सारे हैं, इंडियन नेम्स होता है वो उसकी डिक्शनरी में नहीं होते तो रेड लाइन होता है तो ऑटोमेटिक वो क्लोज कर देता है. तो अगर उसमें से करना हो तो फिर यहाँ पे जाके आप क्लिक हो गया होगा वो क्लिप हटा के फिर से कर सकते हैं. लेकिन जैसे ही वो करेंगे फिर से वो पूछेगा कि ये बंद करना पड़ेगा. तो ऐसा हो तो जब ऐसे बहुत सारे जब स्पेलिंग गलत दिखा रहा हो तो उतना पार्ट अलग से वर्ड में डाल दो और फिर वहाँ पे स्पेलिंग चेक कर दो, तो पूरा डॉक्यूमेंट आपको चेक नहीं करना पड़ेगा. आगे है सेव. इसमें जनरली वैसा कुछ नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट है वही चलता रहेगा. इसमें लैंग्वेज में एडवांस में काफ़ी फंक्शंस है जो हम यूज़ करते हैं. जैसे यूज़ कंट्रोल क्लिक टू फॉलो हाइपर लिंक, मतलब अगर आपने कोई यूट्यूब या कोई भी वेबसाइट से लिंक लिया तो लिंक जब आप वर्ड में पेस्ट करते हो तो कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे तो वो लिंक पे सीधा चला जाएगा. अगर यहाँ पे क्लिक नहीं होगा तो वो नहीं जाएगा. स्मार्ट पैराग्राफ सिलेक्शन ये ठीक है, बहुत डिटेल में जाना ज़रूर नहीं है हमारा. यहाँ पे एक ये ऑप्शन है, शो मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स एंड पिकास. तो इंचेस वैसे जनरली हम यूज़ करते हैं जब स्केलिंग करते हैं. स्केल में दो होता है, एक सेंटीमीटर और एक इंच. तो इंच में हम कुछ भी हम अगर एनवेलप प्रिंट करना हो तो हमको उसका साइज़ कितना है वो लेना पड़ेगा. तो इंच में अगर ले लेंगे तो जब एनवेलप का माप वो हम मेजरमेंट करेंगे तो इंचेस या सेंटीमीटर जो भी करें वो दो में से हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से. तो जब ये सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर रूलर में इंच का और मिलीमीटर या सेंटीमीटर का दिखाएगा. तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो. कस्टमाइज रिबन, ये जो हम ऊपर रिबन्स देखते हैं जैसे होम क्लिक करते हैं तो ये जो ऊपर रिबन्स आती है ये कस्टमाइज़ कर सकते हैं. क्या उसमें डालना है, क्या निकालना है, कुछ एक्स्ट्रा हो जो कभी यूज़ ना होता हो तो भी हम निकाल या ऐड कर सकते हैं. तो ये है मेन फाइल, फिर होम. होम में ये सब है ही, आपने देखा ही है और आप यूज़ करते ही हो. ये स्केलिंग्स है, एक पेस्ट. यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक क्लिपबोर्ड खुलेगा जिसमें हम पेस्ट कर सकते हैं कुछ भी. जैसे हम आप यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे अब चार वर्ड है. अगर मेरे को IITGN को कॉपी करना है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल सी कॉपी, तो यहाँ पे दिख जाएगा IITGN. अगर गुजरात को कॉपी करना है तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सी कॉपी करूँगा, वहाँ पे गुजरात दिख जाएगा. अब जब ये वर्ड मुझे फिर से कॉपी किया हुआ है, अब पेस्ट करना है तो यहाँ से क्लिक करके गुजरात 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 नीचे IITGN. अच्छा, ये वर्ड ये फंक्शन का उपयोग और भी, जैसे नया फाइल मैं खोलता हूँ तो उसमें भी आ जाएगा. यहाँ पे मेरे को डालना है
तो भी यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर और एक नया फाइल खोलूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा IIT गांधीनगर स्टाफ डेवलपमेंट सेल, ये मैंने लिखा। अब मेरे को स्टाफ डेवलपमेंट सेल यहाँ से कॉपी करना है, तो अगर यहाँ पे कॉपी करूँगा तो भी वहाँ पे आएगा, और अगर इसी को मैं ये वाली फाइल में डालना चाहता हूँ तो यहाँ जाके पेस्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी फाइल, अगर वर्ड की एक से ज़्यादा फाइल है, एक से ज़्यादा फाइल का आपको कोई भी फाइल में से इंटर कॉपी पेस्ट करना हो तो ये फंक्शन यूज़ होगा। ये यहाँ से आएगा, ये जो होम में पेस्ट कॉपी फॉर के नीचे क्लिपबोर्ड के कोने में एक एरो है, वहाँ से क्लिक करना है तो वो आ जाएगा। पेस्ट, पेस्ट ऑल, पेस्ट ऑल करेंगे, पेस्ट ऑल हो जाएगा यहाँ पे, सारा ही जितना भी आपने कॉपी किया होगा सब आ जाएगा, क्लियर ऑल्सो क्लियर हो जाएगा। तो ये फंक्शन काफ़ी यूज़फुल है, अगर दो तीन फाइल्स आप यूज़ कर रहे हो एक साथ कॉपी पेस्ट करने के लिए तो ईजी रहे। यहाँ पे फॉन्ट है, फॉन्ट के लिए ये अलग अलग हम चेंज कर सकते हैं। एक यहाँ पे ये वेलकम टू IIT गांधीनगर का एक पैराग्राफ है जिसमें हम फॉर्मेट करना करें तो एडवांस में इसको आप शॉर्टकट भी कंट्रोल डी करेंगे तो भी फॉन्ट खुलेगा। कंट्रोल डी से एडवांस में स्केल 100%, जैसे मैं यहाँ पे इतना एक फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी 100% है यहाँ पे, तो डिफ़ॉल्ट साइज 100% है कि जो आपको नॉर्मल दिखता है। अगर मैं यहाँ पे 80 कर दूँ और ओके करूँगा तो स्क्वीज़ हो जाएगा, फॉन्ट्स छोटे हो जाएंगे। मतलब अगर आपका एक लाइन में अगर वो नहीं हो रहा है, एक लाइन में पूरा आ नहीं रहा है तो इसको छोटा कर सकते हैं। कंट्रोल डी करके फिर से 100% करें। इसके अलावा अगर ये पूरा है, अगर ये दो वर्ड्स नीचे जा रहे हैं तो स्पेसिंग में जाके कंडेंस्ड, यहाँ पे है एक्सपांडेड और कंडेंस्ड। कंडेंस्ड में अगर 1.1.1.2 तक करेंगे और ओके, आपको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। कि एक पैराग्राफ अगर ऊपर नहीं आ रहा है तो हम इसमें फॉन्ट्स थोड़े छोटे हो जाएंगे, पर जैसे आपका ज़रूरत हो वैसे वो कर सकते हैं। अगर एक पेज में पूरा नहीं आ रहा, थोड़े के लिए थोड़े नेक्स्ट पेज में जा रहा है, प्रिंट क्यों ख़राब करना, तो एक ही पेज में वो ले सकते हो। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग एक है, इसको वापस पहले था ऐसे ही करते थे। यहाँ पे और भी जैसे स्ट्राइक थ्रू यहाँ पर भी ABC और उसके ऊपर स्ट्राइक किया हुआ है, डबल स्ट्राइक थ्रू मतलब डबल स्ट्राइक हो जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट, जो सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर, जैसे हम डिग्री लिखना हो कोई भी तो 100 ज़ीरो को सिलेक्ट करके अगर सुपरस्क्रिप्ट करेंगे तो 100 डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही सिलेक्ट करके यहाँ से ही ये सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, वही चीज़ इसमें से यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। ऑल कैप्स कर सकते हैं, स्मॉल और ये है वो कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट है जो काफ़ी यूज़फुल है, अगर इसको सिलेक्ट करा, अगर इसको मुझे ऑल कैप्स में करना है, ऑल कैप्स या फिर सेंटेंस केस या वर्ड केस करना है तो शिफ्ट F3 हाँ ठीक है, इसको आप कैसे भी वो कर सकते हो, सेंटेंस केस, वर्ड केस, फुल कैपिटल। फिर ऑल वही सेम Shift F3 सभी के लिए, एक उससे ही सब होता रहेगा। उसके बाद है यहाँ पे ये ऑल क्लियर, अगर इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ, सारी फॉर्मेटिंग अगर क्लियर करनी है तो क्लियर फॉर्मेटिंग जैसा था वैसे हो जाएगा, पर ये उसकी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग होगी। जब आप वर्ड खोलते हो, टाइप करना शुरू कर देते हो तो जो फॉर्मेटिंग होती है वो होगी, इसमें लाइन स्पेसिंग और वो जो अंदर डाला हुआ है वही रहेगा।
फॉन्ट बड़ा करना है छोटा करना है ये इजी है. अगर बड़ा छोटा भी करना हो तो एक शॉर्टकट की है कंट्रोल और बिग लार्ज ब्रैकेट से बड़ा होगा और स्मॉल ब्रैकेट से छोटा कर सकते हैं कंट्रोल दबा के. कंट्रोल हाँ स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा छोटा कंट्रोल दबा के करना पड़ेगा. उसके बाद है पैराग्राफ. यहाँ पर पैराग्राफ में पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं. इसमें ये है लेफ्ट अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट और जस्टिफिकेशन. लाइन स्पेसिंग में 1.5 अगर रखेंगे तो ठीक है. अगर आपके पास फुल पेज है अगर नीचे तक पूरा पेज नहीं भर रहा है तो 1.5 रख के अगर 1.5 प्लस 12 के फॉन्ट रखे तो इजी होगा रीड करने में प्रिंटिंग करने में अच्छा रहेगा. और लाइन स्पेसिंग में 1.5 2 कर सकते हैं कि जब ड्राफ्ट होता है ड्राफ्ट सर को देते हैं कि करेक्शन करना है तो इसमें स्पेसिंग मिल जाएगी आपको कि बीच में करेक्शन कर सकते हैं तो इजी रहेगा 2, 2.5, 3. अगर 1 करेंगे जब 1 पॉइंट जनरल है अगर इसका शॉर्टकट है तो कंट्रोल 1 कंट्रोल 2 मतलब डबल और कंट्रोल 5 मतलब 1.5. और लाइन स्पेसिंग में यहाँ पे अलाइनमेंट जस्टिफाइड है जो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है वही आएगा. आउटलाइन लेवल है बॉडी डैश वो डिफ़ॉल्ट है. इंडेंटेशन है यहाँ पे लेफ्ट है. एक मिनट यहाँ पे रूरल नहीं है रूलर आ गया. यहाँ पे लेफ्ट 0 है मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है इतना मिनिमम मार्जिन यहाँ पे 1 इंच का छोड़ के जो यहाँ पे है तो 0 प्लस यहाँ से आप जैसे ही लाइन स्पेसिंग में यहाँ पे बड़ा हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 0.5 तो 0.5 पे ये हट जाएगा. यहाँ से भी आप हटा सकते हो और यहाँ पर जाके लाइन स्पेसिंग में कितना देना है अगर आपके पास स्पेसिफाइड है तो फिर यहाँ से करके कर सकते हो. राइट साइड कितना हटाना है तो राइट साइड हटा सकते हो जो यहाँ पे दिया गया है. और यहाँ पे है फर्स्ट लाइन और हैंगिंग. फर्स्ट लाइन में क्या होगा फर्स्ट लाइन जो है यहाँ पे द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो फर्स्ट लाइन है उसको हमको सिर्फ फर्स्ट लाइन को हटाना है तो यहाँ पे करके तो फर्स्ट लाइन हट जाएगा. और इसी में अगर नीचे है हैंगिंग हैंगिंग मतलब फर्स्ट लाइन के नीचे का जो पैराग्राफ है उसको हैंगिंग बोलते हैं तो उसको हटाना है. यहाँ से हम वापस ये ज़ीरो कर देते हैं तो फर्स्ट लाइन 0 हो गई और हैंगिंग का पीछे हट गया है. अगर पैराग्राफ वाला हमको चाहिए होता है हमेशा तो हैंगिंग में अगर हम 1 रखे और फर्स्ट लाइन लेफ्ट मार्जिन 5 तो पैराग्राफ हो जाएगा. इसमें और आगे है नीचे बिफोर एंड आफ्टर. बिफ़ोर एंड आफ्टर जैसे वेलकम टू IIT गांधीनगर है या फिर ये फर्स्ट लाइन ये पैराग्राफ इतना सिलेक्ट करते हैं तो बिफोर मतलब पैराग्राफ के ऊपर कितनी जगह चाहिए तो 18 और पैराग्राफ के बाद में कितनी जगह चाहिए तो 0 चाहिए. तो ऊपर 18 की स्पेस हो जाएगी पर नीचे 0 हो जाएगा. यहाँ पे एक्चुअली हाँ फिर से करते हैं यहाँ पे जाने का लाइन स्पेसिंग अगर यहाँ पे 0 कर ले यहाँ पे 18, 24 कर ले तो नीचे जगह हो जाएगी ऊपर 0 हो जाएगा. और एक है अगर अगर यही पैराग्राफ अगर वापस आपको कर देना तो यहाँ पे रख के बैक स्पेस करेंगे तो भी वापस आ जाएगा.
इसमें अभी ये दो पेज में, एक पेज में इतना है और एक पैराग्राफ। अब एक पेज, दो पेज में ये जा रहा है, अगर एक ही पेज में लेना हो तो कैसे लेंगे? तो कंट्रोल ए कर लो, यहाँ से इतना सिलेक्ट कर लेते हैं, इतना ही लेना है। तो यहाँ लाइन स्पेसिंग में एक ऑप्शन है मल्टीपल करके, मल्टीपल में थ्री दिखा रहा है तो थ्री तो वो नॉर्मल स्पेसिंग दिखाएगा, पर यहाँ पे आप 0.95 कम कर दोगे तो छोटा हो जाएगा, मतलब लाइन स्पेसिंग एकदम कम होती जाएगी। अगर इसको भी आप ऊपर लेना चाहते हो तो काफ़ी लाइन स्पेसिंग कम करके तो वो ऊपर आ जाएगा। और भी अगर आपके पास ऊपर जगह है तो ऊपर आप खींच सकते हैं, यहाँ से तो एक पेज में आप मैटर पूरी ले सकते हैं। अगर फॉन्ट छोटा कर सकते हैं, छोटा बड़ा करके एक पेज में अगर लेना हो तो इसका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, 1 इंच है। हाँ, वो आगे पेज लेआउट में आएगा, दिखा देता हूँ पहले ही। यहाँ पे एक है पेज लेआउट में मार्जिन में कस्टम मार्जिन। एक्चुअली ये नॉर्मल ये 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच है। अगर कस्टम करके आप छोटा करना चाहते हो, लेफ्ट 0.5, राइट 0.5, टॉप में 0.5, ये भी 0.5, अगर लेफ्ट में 0 ही कर देना है, नहीं रखना है कुछ भी, राइट में भी 0 तो ओके। मिनिमम एक्चुअली इसमें कैसा होता है, जब आप प्रिंट करते हो तब 0.1 लेफ्ट साइड में 1 इंच रखे तो ठीक रहेगा, बाकी 0.5 आप सब जगह रख सकते हो। जब एक यहाँ पे मार्जिन में ही आए तो फिर एक ऑप्शन यहाँ पर है मिरर मार्जिन करके, तो मिरर मार्जिन में एक नया डॉक्यूमेंट में ले लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसमें टोटल हमारे पास 1, 2, 3, 4 पेजेस है, पांच पेज है। अब जब हम पेज लेआउट में जाते हैं, मार्जिन्स में कस्टम मार्जिन, जब प्रिंटिंग करना होता है, डॉक्यूमेंट बड़ा होता है, स्पाइरल बाइंडिंग या बाइंडिंग करना होता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक तो मार्जिन आप 0.5 कर लीजिए सब जगह, या फिर जैसे ज़रूरत हो, और यहाँ पे नॉर्मल की वजह मिरर मार्जिन एक है। तो जब मिरर मार्जिन करोगे तो कैसा होगा कि जब जैसे A4 साइज पेज है तो लेफ्ट साइज मतलब यहाँ पे आपका बाइंडिंग का वो आएगा, तो इतने यहाँ पे 1 इंच की जगह बच जाएगी, बाकी का यहाँ पर पूरा टेक्स्ट आएगा। वैसे जब पीछे घुमाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जगह हो जाएगी और यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। जैसे इसमें करके देखते हैं, देखो ऑटोमेटिक वो जगह हो जाएगी। फर्स्ट पेज है यहाँ पे जगह है, सेकंड पेज में यहाँ पे जगह है, तो ये जब प्रिंट करेंगे तो फर्स्ट पेज के बाद सेकंड पेज उसके पीछे प्रिंट होगा, थर्ड पेज आएगा उसके पीछे फोर्थ पेज आएगा, तो ये वाली जो जगह है यहाँ पे वो ऑटोमेटिक बाइंडिंग में अंदर आ जाएगी, तो आपका कभी कट हो जाने का या ऐसा चक्कर नहीं रहेगा और आपका फुल पेज यूज़ होगा। ऊपर 5 का 0.5 है, नीचे 0.5, साइड में 0.5 है, यहाँ पे 1 है, तो आपका टेक्स्ट पूरा बच जाएगा। कभी कभी कट हो जाता है, ऐसा नहीं हो पाए होएगा। फिर से होम में चले जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग ये सब दिया हुआ है। ये वैसे तो बहुत लंबी बात है
और समझना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बहुत यूजफुल है क्योंकि इसमें हेडिंग 1-2 दिया गया है. कंट्रोल एंटर अगर आप करोगे तो पेज आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, यहाँ पे एक वापस आ जाते हैं. अगर यहाँ पे हमने लिखा है, अगर यहाँ से अगर थर्ड पेज ये वाला यहाँ से मुझे नेक्स्ट पेज में लेना है तो नेक्स्ट पेज में चले जाएगा. अगर यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वो नीचे नहीं जाएगा, और जैसे ही मैं यहाँ से नीचे करूँगा तो ये पेज ब्लैंक हो जाएगा नीचे और वो नेक्स्ट पेज चले जाएगा. तो कभी कभी कोई पॉइंट हमको फ्रेश पेज पे ही चाहिए जो ऊपर नहीं आना चाहिए, तो कंट्रोल एंटर करोगे तो वो नेक्स्ट पेज में ही रहेगा, वो नए वो पुराने वाले पेज में ऊपर नहीं आएगा. अब यहाँ पे हेडिंग्स, अगर वेलकम टू आईटी गांधीनगर उसको हेडिंग्स में चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर देंगे. अगर हेडिंग पे राइट क्लिक करके मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पे हमको कलर्स यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ाना कम करना, कौन सा फॉन्ट लेना है वो चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे फॉर्मेट में पैराग्राफ में आप बिफोर एंड आफ्टर लाइन स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं. तो ये सब करने के बाद अगर ये सिलेक्ट हो गया यहाँ पे तो अगर क्लिक करोगे तो आ जाएगा. जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे अगर वेलकम टू आईडी गांधीनगर इतना है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वेलकम टू आईडी गांधीनगर ये हो जाएगा. अब इसका दूसरा यूज़ क्या है, अगर यहाँ पे मैं नंबर 1 और इसको मैं सबसे ऊपर कंट्रोल एंटर कर देता हूँ तो वो नीचे रहेगा. अब यहाँ पे वेलकम टू आईआईटी गांधीनगर मुझे वो वाला चाहिए तो रेफरेंसेस में जाके क्रॉस रेफरेंस में यहाँ पे आ जाएगा नंबर्ड आइटम. मैंने नंबर दिया हुआ है उसको 1, इसलिए यहाँ पे वो ऑटोमेटिक क्लिक कर लेगा और वेलकम टू आईडी के साथ नंबर्ड आइटम आ जाएगा. अगर हेडिंग है तो भी हेडिंग कितने हैं मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स में, मैंने जो भी हेडिंग दिया हो. अगर सीवी आप बना रहे हो तो आपने प्रोफाइल ये वो सब लिखा होता है, एक्सपीरियंस ये है, तो उसको सब हेडिंग में डाल दो. अगर उसका इंडेक्स बनाना हो तो इस ये यूज़ करेंगे हेडिंग. तो वेलकम टू आईडी गांधीनगर हेडिंग टेक्स्ट चाहिए तो इंसर्ट करो तो यहाँ पर आ जाएगा. अगर इसका यहाँ पे स्पेस करूँ हेडिंग टेक्स्ट के बदले पेज नंबर करना है तो पेज नंबर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, पेज नंबर 2. ठीक है, यहाँ पर ही नीचे दूसरा वेलकम टू आईआईटी गांधीनगर है, हेडिंग टेक्स्ट वेलकम टू आईआईटी गांधीनगर नंबर 2 इंसर्ट. यहाँ पे मैं स्पेस करूँगा उसी का पेज नंबर क्या है इंसर्ट, तो पेज नंबर 3 आ जाएगा. अब इसमें ये तो ऑटोमेटिक हो गया है, इसमें अब हम और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे वेलकम टू IITGN कर देते हैं सिर्फ. ओके, फिर जैसे ये वेलकम टू कहाँ पर है, वेलकम टू SDC. एक्चुअली वहाँ पे वेलकम टू इसलिए ले रहा है क्योंकि SDC वो हेडिंग में उसके नहीं गया हुआ, इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है. रेफरेंस क्रॉस रेफरेंस हेडिंग वेलकम टू SDC हेडिंग टेक्स्ट इंसर्ट स्पेस करके स्पेस पेज नंबर इंसर्ट क्लोज. यहाँ पे कंट्रोल करके क्लिक करेंगे तो वहाँ पे चले जाएगा वेलकम टू SDC वेलकम टू SDC. सेव तो नहीं किया है यहाँ पे, वेलकम टू SDC. हाँ, ये हो गया, पहले नहीं हो रहा था. ठीक है, शायद कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सिलेक्ट करते हैं उसमें कुछ गलती हो, तो जैसे यहाँ पे अगर हेडिंग
वाला है वो सिलेक्ट अगर ना हो या फिर सिलेक्शन में कुछ गलती हो तो ऐसा हो सकता है, पर इसका यूज़ हम कर सकते हैं ऑटोमेटिक पेज नंबर, ऑटोमेटिक टाइटल अपडेट्स करने के लिए। और आगे है इंसर्ट में टेबल, एक टेबल है, एक टेबल ऐड कर दे यहाँ पे। पहले एक काम करते हैं, एक्सेल में से ले लेते हैं, एक ये एक टेबल में लाया हूँ, इसको फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं। अब ये टेबल तो बहुत बड़ा है और स्पेसिंग के बाहर जा रहा है, फिगर्स भी जो है वो भी चेंज हो गए हैं, कैसे करेंगे? तो राइट क्लिक करो, टेबल प्रॉपर्टीज़, ये सब ऊपर ऑटोमेटिक क्लिक हुआ होगा, वो सब निकाल दो, टेबल, रॉ, कॉलम, सेल, तो ऑटोमेटिक एक पेज में तो आ जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जो बीच में स्पेस है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे एक्सेल में ये जो स्पेसिंग यहाँ पे है नंबर्स के आगे जो स्पेसिंग होती है ये सब, वो भी वर्ड में यहाँ पे स्पेस आ जाएगी, ये आगे वाली जो स्पेस है यहाँ से ये, तो वो जगह ज़्यादा रोकेगी और जो हमको चाहिए उतना नहीं आएगा, और ना तो हम फॉर्मेट कर पाएंगे यहाँ पे, हम रो या कॉलम छोटा करना हो तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, तो इसमें एक ही ऑप्शन कर सकते हैं कि जितनी भी स्पेस है उसको निकाल दे सकते हैं, तो कंट्रोल एच करके, कंट्रोल एफ करते हैं कि कहीं पे स्टार है, स्टार कहीं पे नहीं है, तो कंट्रोल एच मतलब रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे स्पेस एक दे देंगे, स्पेस और स्टार और रिप्लेस ऑल, 912 रिप्लेसमेंट हो गया। ये सारी स्पेस के बदले हमने स्टार डाल दिया, अब स्टार को निकालने के लिए तो फिर से कंट्रोल एच स्टार और यहाँ पे कुछ नहीं डालो, रिप्लेस ऑल हो गया, अभी जगह है, अभी जगह हो गई, जो ब्लैंक जगह थी वो चली गई। अब टाइटल में आपको हर एक जगह पे ब्लैंक वो करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से भी उसने जगह निकाल दी होगी। यहाँ पे व्यू में रूलर है, अगर रूलर नहीं हो तो वहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये खींच लीजिए तो आपका हो जाएगा टेबल तैयार। फिगर्स को अगर राइट करना हो, कंट्रोल राइट, तो ये एक ही पेज में आ जाएगा। अब इसी को अगर दूसरा है, जैसे कि ये टेबल को कभी भी ऐसे सिलेक्ट करके, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ये टेबल को पकड़ लिया और इसको सिलेक्ट करके कहीं भी उछ रख दिया, तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ये करोगे बहुत वर्ड में प्रॉब्लम हो जाएगी जो कभी सॉल्व नहीं होगी। ना डॉक्यूमेंट सेट होगा ना टेबल सेट होगा कभी भी, तो इसलिए क्या करना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो कैसे पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे मार्जिन तो सब जगह दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ पे इतना ही वाइट कलर दिख रहा है, सभी जगह वाइट कलर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर पे राइट क्लिक करके टेबल प्रॉपर्टीज़ टेबल में जाके यहाँ पे अराउंड में हो गया होगा, अराउंड में से नन में कर देने का है, नन में करोगे ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा, उसको कहीं हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये है, अगर यही टेबल अगर दो पेज में जा रहा है, दो पेज में अगर टेबल जा रहा है तो क्या करेंगे, अगर उसी का हेडिंग यहाँ पे टाइप करना हो तो राइट, तो फर्स्ट हेडिंग को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, टेबल प्रॉपर्टीज़, रो और रिपीट हेडर, ओके, नीचे आ जाएगा। अब जब आपने ऐसा पूरा सिलेक्ट किया हो, इसको उठा के यहाँ वहाँ रख दिया, तो क्या होगा, तो हेडर चले जाएगा, तो वो हेडर नहीं आएगा क्योंकि उसका कुछ प्रॉब्लम है वो, इसीलिए राइट क्लिक करो, टेबल प्रॉपर्टीज़, हमेशा जब फर्स्ट रो रिपीट करनी हो तो टेबल का टेबल में ये नन पे होना चाहिए, तो ही वो हेडर रिपीट होगा, अगर वो अराउंड में चले गया तो वो रिपीट नहीं होगा कहीं भी।
नन पे अगर लेफ्ट है सेंटर और राइट अलाइनमेंट करना हो टेबल को अगर जगह है बाजू में तो आप अलग अलग कर सकते। अच्छा दूसरा एक है कि जैसे ये सिलेक्ट किया ऊपर यहाँ पे टैब्स दिख रहे हैं आप हटा सकते हैं यहाँ से। ऊपर नीचे अगर एक ही रो में अगर दो है जैसे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इसमें कैसे सिलेक्ट करना है यहाँ पे एक दो दिख रहा है अगर ऊपर वाला जो सिलेक्ट सिर्फ पकड़ के हटाओगे तो ऊपर ऊपर की फर्स्ट लाइन हटेगी। अगर नीचे का इसमें दो है एक स्क्वायर है नीचे और एक ट्राइंगल है अगर ट्राइंगल पकड़ के हटाओगे तो सिर्फ नीचे का सेकेंड लाइन या नीचे जो पैराग्राफ होगा वो हटेगा पूरा वो ऊपर वाली लाइन नहीं हटेगी। लेकिन पूरा हटाना है तो स्क्वायर पकड़ के हटाओ तो पूरा हटेगा क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन सा हटाना है तो यहाँ से वो हटा तो लेते हैं लेकिन फिर सिर्फ फर्स्ट लाइन हटानी हो तो ये करना है अगर सेकेंड लाइन हटानी हो तो ये हटाना है वैसे ही राइट साइड में ये करना है तो ये भी ध्यान रखने जैसी बात है। एक और एक है जैसे ये है अगर यहाँ पे हमको एक इंसर्ट में पेज ब्रेक यही है जो कंट्रोल एंटर करोगे जो पेज ब्रेक होगा नेक्स्ट पेज में जो चलता रहेगा वो पेज ब्रेक है। ब्लैंक पेज अगर एक इंसर्ट बीच में अगर ब्लैंक पेज चाहिए तो ब्लैंक पेज आ जाएगा। एक और एक चीज़ है जैसे पेज लेआउट में यहाँ पे आप गए अगर यहाँ पे हेडर और पहले एक हेडर और फुटर समझ लेते हैं। हेडर और फुटर करने के लिए तो डबल क्लिक करो हेडर पे जाके हेडर और फुटर आ जाएगा। आपको कुछ भी इंसर्ट करना हो पेज नंबर ये वो पेज नंबर कहाँ से इंसर्ट करेंगे क्विक पार्ट्स में जाके जैसे ही आप फुटर में जाओगे यहाँ डिज़ाइन मेनू शुरू हो जाएगा उसी में क्विक पार्ट्स फील्ड और इसमें नीचे होगा पेज 1 2 3 ओके यहाँ पे हम लिख सकते हैं और आगे पेज 1 ऑफ अब पूरा डॉक्यूमेंट कितने पेज का है वो भी यहाँ पे लिखना है तो पेज डिज़ाइन में ही है क्विक पार्ट्स फील्ड और यहाँ पे एन मतलब नंबर पेजेस होगा नंबर पेजेस और 1 2 3 ओके तो 6 पेजेस का पूरा डॉक्यूमेंट है उसके हम फर्स्ट पेज पे है तो ये हो जाएगा। इसको अगर राइट अलाइनमेंट सेंटर करना हो या लेफ्ट अलाइनमेंट करना हो तो कर सकते हैं। डिज़ाइन में क्विक पार्ट्स में हम ये सब फील्ड में जाके पेज और पेज नंबर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं पर वो जैसे फाइल नेम इंसर्ट करना हो अपर केस और फर्स्ट कैपिटल टाइटल केस में अगर करना हो तो हम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट 4 ये पेज ये हमने सेव नहीं किया है तो उसका डॉक्यूमेंट 4 नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे हेडर और फुटर ऐसा है अगर हमको पेज ब्रेक करना है अगर ऐसा है कि अलग अलग पॉइंट्स है जैसे हम एजेंडास बनाते हैं सीनेट का एजेंडा बिल्डिंग एंड वर्क्स का एजेंडा तो अलग अलग पेज ब्रेक करते हैं तो वो कैसे करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पेज में भी आपको अगर नंबर्स नहीं चाहिए तो भी यहाँ पे एक पेज ब्रेक दे दीजिए लास्ट में चले जाइए जहाँ पे आप ब्लैंक है वहाँ पे लास्ट में चले जाइए पेज लेआउट में ब्रेक्स और नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज में चले गया हुआ क्या कि यहाँ पे अगर आप हेडर और फुटर में जाएंगे तो यहाँ पे सेक्शन 1 हो जाएगा और जहाँ से हमने यहाँ फर्स्ट पेज पे पेज ब्रेक किया था तो नेक्स्ट में सेक्शन 2 हो जाएगा फिर पूरा सेक्शन 2 ही चलता रहेगा। अगर सेक्शन 2 में हमको ब्रेक करना है
तो ये फर्स्ट पेज में हमने ब्रेक किया था, ये सेकंड पेज है, ये सेकंड पेज आ गया। यहाँ पे हम लास्ट में जाके पेज लेआउट ब्रेक नेक्स्ट पेज, तो यहाँ पे फिर से ब्रेक हो जाएगा। सेक्शन वन, सेक्शन टू, सेक्शन थ्री। अब इसका यूज़ क्या है कि जैसे हमको सेक्शन वन में पेज नंबर नहीं चाहिए और सेक्शन टू में चाहिए, सेक्शन टू से फर्स्ट नंबर पेज वन से शुरू होना चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट पेज में, तो ठीक है कुछ नहीं करना है, सेकंड पेज पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करोगे फुटर में तो एक लिंक टू प्रीवियस, मतलब आगे वाला जो सेक्शन है आपको उसके साथ लिंक करना है कि नहीं, तो लिंक टू प्रीवियस हटा दोगे तो वो वहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे अगर आप निकाल दोगे तो भी यहाँ पे रहेगा। अगर ये नहीं किया होगा तो क्या होगा, अगर ये नहीं किया होगा, अगर मैं यहाँ से फर्स्ट पेज से डिलीट कर दूँ तो सभी जगह से चले जाएगा, तो इसलिए फर्स्ट पेज में निकालना हो तो लिंक टू प्रीवियस हटा के सेक्शन टू यहाँ पे क्लिक करो, लिंक टू प्रीवियस हटा के फर्स्ट में से निकाल के यहाँ पे हो जाएगा पेज टू, और यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर यहाँ से कहाँ से शुरू होगा, तो स्टार्ट एट वन, तो स्टार्ट एट वन से हो जाएगा 1 to 8। या फिर 1 के बदले आप जो स्टार्ट है उसको वहां से ही शुरू करें, पर उसका नंबर स्टार्ट एट 0 कर दो, तो 0 के बाद ऑटोमेटिक ये 1 हो जाएगा। दूसरा एक है कि यहाँ पे हम इंसर्ट में अगर ऊपर एक लाइन ऐड करते हैं यहाँ पे कि वो दोनों अलग लगे, तो टेबल में जाके ऊपर के सिर्फ ऊपर की लाइन ऐड कर दो तो आ जाएगा। अगर ये सिस्टमेटिक करोगे तो ही होगा, अगर कुछ बीच में छूट गया, अगर नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी समझना कि क्या हो रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ही पेज में 2-3 सेक्शन हो जाते हैं, तो वो समझना मुश्किल होता है कि अगर कहाँ पे जाए, कैसे चेंज करे, तो वो फिर पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे ब्रेक हुआ है। और हमेशा ये वाला ही यूज़ करें पेज लेआउट में, ब्रेक्स में, पेज लेआउट, ब्रेक्स और नेक्स्ट पेज में। कंटिन्यूस वाला भी है जो पेज ब्रेक होगा लेकिन एक ही पेज में 2-3 सेक्शन बन जाएंगे, जिसमें बहुत प्रॉब्लम होगा अगर वो उसमें फिर अगर आगे वाले सेक्शन में कुछ चेंज कर रहे हो तो नीचे ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, पता नहीं चलेगा कि कौन से में सेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, 8 तो ऑटोमेटिक वो पेज नंबर जितने भी होंगे वो ले लेगा, ऑटोमेटिक वो बढ़ता जाएगा जैसे। हाँ, वो चेंज करने के लिए अगर वो या तो मैन्युअली कर सकते हैं या फिर एक ऑप्शन है, शायद मैंने पहले किया था पर अभी मुझे याद है, पता नहीं। फिर से हर एक सेक्शन पेजेस, जैसे सेक्शन पेजेस है यहाँ पे ओके करो 5, मतलब ये थर्ड सेक्शन में कितने पेजेस है तो उतने सेक्शन में पेजेस आ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि सारे सेक्शंस है, अगर एक ही डॉक्यूमेंट में 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन में अलग अलग पेज चाहिए तो इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर टोटल डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस है तो फिर मैन्युअल डाल दो। अगर टोटल अगर 8 पेज है, फर्स्ट पेज निकाल दिया तो निकाल के 7 डाल दो, वो इजी रहेगा क्योंकि वो सेम रहेगा, उसमें कुछ हमको चेंज करना नहीं है। सेक्शन वो उसमें चेंज करेंगे, सेक्शन पेजेस में, तो जितने सेक्शन में ही पेज होंगे
उतने ही पेज लास्ट में आए, ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ, 3 of 7, मतलब 7 मतलब एक सेक्शन में कितने पेजेस है, तो ये थर्ड सेक्शन 3 लिखा हुआ है नीचे यहाँ पे, सेक्शन 3, तो सेक्शन 3 में कितने पेजेस है, तो क्विक पार्ट्स फील्ड सेक्शन पेजेस, ओके, तो 5 पेजेस है सेक्शन 3 में, सिर्फ सेक्शन 3 का आएगा, सेक्शन 2 का नहीं होगा, सेक्शन 2 में 1 पेज है, वो ऑटोमेटिकली लेगा कि एक ही पेज है, एक ही पेज आ गया, और सेक्शन 1 जो सबसे फर्स्ट पेज है उसमें। अब फिर से वन अगेन एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है और हमेशा यूज़ करते रहते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर एक डॉक्यूमेंट है, मैं नया डॉक्यूमेंट ही ले लेता हूँ, सेकेंड पेज में, फर्स्ट पेज में एक पैराग्राफ डाला है, सेकेंड पेज में IIT गांधीनगर सिर्फ लिखा है, थर्ड पेज में हम लिखते हैं कंट्रोल एंटर, थर्ड पेज में हम लिखेंगे स्टाफ डेवलपमेंट सेल, तो ये 3 है, अगर तीनों अभी तो एक जैसे हेडर और फुटर पर क्लिक करेंगे तो हेडर फुटर, इसमें कोई सेक्शन ब्रेक नहीं हुआ है, सेक्शन ब्रेक करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पेज में जाओ, फर्स्ट पेज में लास्ट में चले जाओ कि जहाँ से नीचे और कुछ राइटअप ना हो उसी सेक्शन में, पेज लेआउट में ब्रेक्स, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में गया, नेक्स्ट पेज में ऑटोमेटिक ये ब्लैंक हो जाएगा और IIT गांधीनगर नीचे चले गए, तो एक बार डिलीट कर दो तो ऊपर ये ऊपर आ जाएगा, सेक्शन ब्रेक जैसा है वैसा ही रहेगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, ऑटोमेटिक सेक्शन 2 हो गया, सेक्शन 2 के बाद अगर सेक्शन 3 में IIT गांधीनगर वाला जो पेज है वहाँ से सेक्शन 3, तो लास्ट में जाके पेज लेआउट ब्रेक्स नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज में फिर यहाँ पे एक बार डिलीट कर दो, स्टाफ डेवलपमेंट सेल आ गया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये सेक्शंस अलग अलग हो गए, इसमें अब लास्ट सेक्शन में जाके लिंक टू प्रीवियस वो हटा दो, तो ऊपर का जो होगा जैसे हम यहाँ पे पेज नंबर या फिर यहाँ पे लिख देते ड्राफ्ट नोट्स लिखेंगे सभी सेक्शंस में आ जाएगा, ड्राफ्ट नोट्स हमको सिर्फ सेकंड सेक्शन में नहीं चाहिए, बाकी के सेक्शन में चाहिए, यहाँ चाहिए, फर्स्ट में चाहिए, सेकंड में नहीं चाहिए, थर्ड में चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ से लिंक टू प्रीवियस हटा दो तो ये हट जाएगा, और यहाँ से भी लिंक टू प्रीवियस हटा देना चाहिए, तो तीनों का सेक्शंस अलग हो जाएगा, हेडर फुटर्स का अलग हो, हेडर में भी जाके हेडर में भी अलग से आएगा लिंक्स टू प्रीवियस, तो दोनों जगह अगर जैसे आपको चेंज करना हो, अगर हेडर में कुछ डालना है तो हेडर में जाके लिंक्स हटा सकते हैं, फुटर में जाना हो तो फुटर में जाके, और सेक्शन 2 यहाँ पे हमको ड्राफ्ट नोट्स हटाना है, डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा, थर्ड में रहेगा, कुछ भी चेंज करना हो, एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग पेज नंबर देना है, अलग अलग कुछ डिज़ाइन रखनी है नीचे, अलग सेक्शन वाइज डिज़ाइन अलग अलग चेंज करनी है तो कर सकते हैं, एक अगर कुछ पिक्चर्स है यहाँ पे पिक्चर में इंसर्ट करूँ तो ये आ जाएगा, ये अभी पिक्चर जो आया है वो हेडर और फुटर में आया है, तो अगर मैं एस्केप करूँगा तो बैकग्राउंड में चले जाएगा, ये कौन से फूटर में गया है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, तो ऐसा कुछ भी हो आप डाल सकते हो कहीं भी, ये सिर्फ सेक्शन ये सेकंड नंबर में ही है,
थर्ड नंबर पे आपको नहीं मिलेगा, सेकंड नंबर पे है, थर्ड में नहीं है, ठीक है? एनी क्वेरी? ओके, अब आगे जाते हैं नेक्स्ट टेबल. साइज मैंने बोला यहाँ से डिफ़ॉल्ट लेटर होती है उसके बदले A4 कर लो हर हमेशा. और अगर डिफ़ॉल्ट करना है तो यहाँ पेपर पेपर में जाके A4 और सेट एज डिफ़ॉल्ट, सेट एज डिफ़ॉल्ट करोगे अगर कोई भी आप नया डॉक्यूमेंट खोलोगे वो A4 साइज़ में होना चाहिए. A4 साइज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी. नया डॉक्यूमेंट कोई भी खोलोगे कंट्रोल N, ये नया डॉक्यूमेंट आ गया, कंट्रोल F2 करोगे तो प्रिंट का कमांड आएगा जिसमें ऑटोमेटिक A4 साइज और डिफॉल्ट सेट हो गया. अब इसमें क्या होगा, ये जो सेक्शन हमने ब्रेक किया था सेकंड सेक्शन में ही सिर्फ पेज सेट हो पेज A4 हुआ है. अब देखोगे कि ये फर्स्ट पेज है वो लेटर ही रहा. तो जब ऐसा करते हो तो क्या करना है कि साइज मोर पेपर साइज A4 और यहाँ पे दिस सेक्शन की जगह होल डॉक्यूमेंट, दिस सेक्शन की जगह होल डॉक्यूमेंट करोगे तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स में A4 हो जाएगा. साइज मोर साइज A4 होल डॉक्यूमेंट, होल डॉक्यूमेंट किया तो ऑटोमेटिक ये चले गया, इसलिए ये यहाँ पर A4 होल डॉक्यूमेंट, हाँ सेट सेट एज डिफॉल्ट. तो जब हम वो कर रहे हो सारे के लिए करना हो तो, पर यही सिर्फ सेक्शन के लिए करना है तो करेंगे तो सारे एक जैसे हो जाएंगे, A4 हो गया, A4 हो गया, A4 हो गया. तो एक ये चेक कर लेना. कॉलम्स है 1 और 2 कॉलम में अगर आपको कुछ प्रिंट करना हो, यहाँ पे एक पैराग्राफ है इसको एक कॉलम की जगह 2 कॉलम में करना है तो कॉलम 2, तो ऑटोमेटिक कॉलम 2 हो जाएंगे. उसमें और भी मोर ऑप्शन में जाके अगर 3 कॉलम है लेफ्ट साइड छोटा कॉलम राइट साइड बड़ा कॉलम ऐसे करना हो, थोड़ा ऊपर नीचे स्पेसिंग कौन सा चाहिए वो कर सकते हैं, लाइन बिटवीन करना हो लाइन बिटवीन तो बीच में लाइन एक आ जाएगी वो कर सकते हैं. आप ये तो आप जैसे जैसे ट्राई करते रहेंगे ऐसे ही नई चीज़ें जानना मिलेगी करते रहेंगे. रेफरेंसेस में क्रॉस रेफरेंसेस एक मेन था जो मैंने समझाया अभी. टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं. टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ करने के लिए सबसे पहले वो हेडिंग बनाना ज़रूरी है. हेडिंग आपका कौन सा है, हेडिंग अगर होगा तो ही टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ कर पाएंगे. अगर हेडिंग नहीं होगा तो टेबल ऑफ कंटेंट नहीं होगा. इसलिए अलग अलग एक ही पॉइंट है, एक फर्स्ट पॉइंट है, फिर जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, ट्राई करके देखते हैं, मैंने कभी किया नहीं है. कॉलम 1 ये दी IIT गांधीनगर, इसको फर्स्ट ये सेकंड ऑफर ये कंट्रोल, हाँ ये कंट्रोल दबा के अगर राइट या लेफ्ट एरो दबाएंगे तो एक वर्ड आप आगे जा सकते हैं. वैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और एरो दबाएंगे तो पूरा वर्ड सिलेक्ट होगा. कंट्रोल शिफ्ट से सिलेक्शन, कंट्रोल से आगे जा सकते हैं. बीच में पूछना है मैं कैसे कर रहा हूँ क्योंकि कभी मैं फटाफट कर रहा हूँ तो पता नहीं चल रहा. यहाँ पे 1 AB उसके सब पॉइंट्स, 2 इसका ये सब पॉइंट्स है, 3 इसका ये सब पॉइंट है, 3 ये. अब ये सब अलग अलग पॉइंट्स है पर इसको अगर हमको टेबल ऑफ कंटेंट में डालना है एक कंट्रोल एंटर कर देंगे नेक्स्ट पेज में ले लेंगे, इसको हेडिंग करना पड़ेगा. तो होम
फर्स्ट हेडिंग जो है इसको सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट हेडिंग राइट क्लिक मॉडिफाई, इसको हम कोई भी कलर कर सकते हैं, साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी सब ठीक है, ओके, हेडिंग वन। और हाँ, इसमें से अब मैंने क्लिक किया तो ये नंबर्स चले गए, तो राइट क्लिक मॉडिफाई और यहाँ पे है नंबर, नंबरिंग 1, 2, 3 सिलेक्ट कर लो, ओके ओके, तो ये नंबर आ जाएंगे। सेम वे यहाँ पे एक सिलेक्ट करो, ये वाला एरो जहाँ पे आता है, वैसे जब मार्जिन के इधर साइड होते तो ऐसा एरो होता है राइट साइड का, और जैसे ही मार्जिन के यहाँ पे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड का एरो हो जाएगा। ये सिलेक्ट करने में आसानी रहेगी, जैसे यहाँ पे किया, कंट्रोल दबा के 3 में सिलेक्ट करता हूँ, हेडिंग डालता हूँ, ऑटोमेटिक सभी हेडिंग एक जैसे हो जाएंगे। सेकेंड हेडिंग में करेंगे, सेकेंड हेडिंग यहाँ पे क्लिक किया, सेकेंड हेडिंग मॉडिफाई 13 साइज, ये ठीक है। नंबरिंग 1, 2, 3 दिया हुआ है, ओके ओके, राइट साइड क्लिक करके हेडिंग 1 नंबर आ गया। फिर से थोड़ा फॉर्मेटिंग वो करना पड़ेगा, जो यहाँ से, अच्छा इसका नंबर AB दिया था, यहाँ से क्लिक करके चेंज मत करिए, यहाँ हेडिंग में जाके ही मॉडिफाई फॉर्मेट नंबरिंग ABC, ओके ओके, ABC आ गया। सेकंड सिलेक्ट करो, हेडिंग B आ गया ऑटोमेटिक, यहाँ पे BCD ऑटोमेटिक हो गया है। अब इसको चेंज करने के लिए राइट क्लिक और रिस्टार्ट एट A, और इसको भी सिलेक्ट करके हेडिंग CDE, बट इसको फिर से रिस्टार्ट एट A करना पड़ेगा। तो ऐसे हो गया, ये इतना हो गया। अब हमको टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे डालना है, यहाँ पे, ये तो उसके पॉइंट्स वो करने के लिए, इसका जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे वो क्लिक होगा, यहाँ पे है, यहाँ पे, टेबल ऑफ कंटेंट क्लिक करो कैसे चाहिए, तो ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। जो हेडिंग में डाला है उतना ही आएगा, जो हेडिंग में नहीं डाला, जैसे एज वेल एज या स्टूडेंट रिसीव स्टडी ग्रेजुएटेड एजुकेशन, ये नहीं आया यहाँ पे, सिर्फ 1 AB 2 ABC 3। पेज नंबर ऑटोमेटिक जैसे भी आपको चाहिए, अगर कुछ चेंज होता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज होना चाहिए, दी इंस्टीट्यूट की जगह IITGN, और इसको थर्ड नंबर के पेज को नीचे ले जाए, थर्ड नंबर को पेज नीचे, यहाँ पे जाके अपडेट टेबल, अपडेट पेज नंबर्स करना है या अपडेट एंटायर टेबल करना है, हमने वो उसमें हेडिंग में भी चेंज किया, तो अपडेट एंटायर टेबल, तो यहाँ पे IITGN हो गया, यहाँ पे थर्ड नंबर को हमने थर्ड पेज पे ले गए तो वो आ जाएगा। पर हेडिंग का मतलब यही उपयोग है कि हेडिंग आप कैसे सेट करते हो, हेडिंग अगर अच्छे से सेट किया हुआ है तो ही ये आएगा, बाकी काफ़ी मुश्किल इसमें भी हो सकती है। मेलिंग्स, मेल मर्ज आप कर सकते हैं, मेल मर्ज वो इजी है, आपने यूज़ तो किया ही होगा। कितना टाइम है, टाइम है, हाँ, अब एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, ये 2 डॉक्यूमेंट्स अभी खुले हैं। अब यहाँ पे एक व्यू है, व्यू में एक ऑप्शन है अरेंज ऑल, अरेंज ऑल जैसे ही क्लिक करोगे दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई देंगे, एक ऊपर है एक नीचे है। स्प्लिट करना है, स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट में क्या होगा कि एक ही डॉक्यूमेंट का 2 पार्ट्स हो जाएंगे, लेकिन अगर 2 को है तो यहाँ पे एक अलग, यहाँ पे अलग, अरेंज ऑल। स्विच विंडोज़ है, स्विच मतलब अगर आप कौन से उसमें काम कर रहे हो, अगर स्विच करना हो एक बीच दूसरे के बीच तो यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट अब एक
पेपर का मैं साइज़ बता दूँ, ये एक A3 साइज़ का पेपर है। A3 साइज़ का पेपर को आधा करोगे तो ये A4 साइज़ हो जाएगा, A4 साइज़ को अगर आप आधा करते हो तो A5 साइज़ हो जाएगा, ये A5 साइज़ हो गया। A3 साइज़ उसका आधा A4, उसका आधा A5, उसका डबल होगा A2, A1, A0, जो बड़ा साइज मैप करना हो तो A0 और A। तो ये जानना ज़रूरी है कि कितने साइज़ का पेजेस है और कौन सा हम यूज़ करते हैं, तो A0। दूसरा एक नेम प्लेट, नेम प्लेट हम जब बनाते हैं तो काफ़ी पेजेस और वो ख़राब होता है कि पूरा एक पेज में अगर एक नेम प्लेट बनाया तो एक ही आएगा, अगर दूसरा नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं है, एक ही पेज में दो आ सकते हैं, तो इसके लिए स्केल का यूज़ करें। यहाँ पे एक नया न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, किसी को आता है अगर बनाना चाहता है तो यहाँ पे आ जाए, क्योंकि मैं बनाऊँगा बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं आता हो तो भी आ जाओ, करेगा कोई ट्राई? चलो चलो, हेमंत, यस, इंसर्ट एक, कैसे बनाओगे नेम प्लेट? हमको बनाना है एक पेज में दो प्रिंट कर सके ऐसा। ओके, तो टेक्स्ट पे जाके ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं, साइज लेना है, साइज कितनी लेंगे? साइज देखना पड़ेगा मुझे, इसमें साइज लेने के लिए स्केल होना जरूरी है। यहाँ पे साइज है इंचेस में है कि इंच में है, तो 2.5 अराउंड, 2.5 चलेगा, ठीक है। हाइट 2.5 लेना है, और लेंथ, एक मिनट, अब इसमें प्रॉब्लम एक है, साइज में हाँ साइज बढ़ाएंगे 10, अब क्या होगा, यहाँ पे साइज पेज साइज पोर्ट्रेट है तो उसके बदले लैंडस्केप कर लेते हैं, कंट्रोल एफ, हाँ ऊपर ऊपर, हाँ गुड, हो गया। अब ये एक आया, अब यहाँ पे लिखते हैं हम IIT GN, लिख दिया, सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल के सेंटर अलाइन कर लो, कंट्रोल ई, ठीक। अब इसमें जगह सेट हो रहा है, इसलिए पेज सेटअप में जाके तो राइट का मार्जिन सेट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे सेट में जाके टॉप से नहीं, लेफ्ट से माइनस करना पड़ेगा, टाइप से फिर गटर ले रहा है ना, ये गटर जीरो है, हाँ, पर क्या करना है अगर ये तो सही है, ऊपर का मार्जिन कम करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर करेंगे तो ही नीचे दूसरा आएगा, तो टॉप में 0 या 0.3 या कम कर दो, सबसे कम कर सके जितना, अगर 0 करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 कर दे, ठीक है। अब ये तो एक साइड का प्रिंट आया, अगर एक साइड आया, पीछे की साइड कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताओ, पीछे पर क्या कॉपी करना है? पूरा टेक्स्ट बॉक्स कॉपी करना है, कंट्रोल वी, हाँ,
उसको सेट कर दो नीचे उसके लाइन में, ना ना पहले उसके लाइन में डाल दो, नीचे 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 जाओ, नीचे चले जाओ, हाँ हाँ ठीक है, हाँ अब इसको रोटेट चलेगा, ठीक है। अब नेम प्लेट तो बन गई, अब थोड़ी सी यहाँ पे गलती है, क्या है गलती है, उल्टी बन गई, हाँ क्योंकि ये जो ऊपर का है जैसे हम प्रिंट करते हैं, ये बहुत समझने वाली बात है, जो समझ पाए वही सीधे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जो ऊपर का पार्ट है वो अगर प्रिंट करेंगे तो बीच वाली लाइन है वो यहाँ पे आएगी, तो आईआरटीजीएन उल्टा प्रिंट होगा, यहाँ पर भी उल्टा होगा, वहाँ पर भी उल्टा होगा। तो क्या करना होगा, नीचे वाला जो है उसको सीधा रखना है, ऊपर वाला जो है उसको उल्टा करना है। इसको रोटेट करो, हाँ इसको भी इसको रोटेट कर दो एक और, हाँ चलेगा। एक और आसान तरीका है, इसको क्लिक करो नीचे वाले को, ये बॉक्स को डबल क्लिक, यहाँ पे क्लिक करो, खाली सिर्फ डबल क्लिक करो फॉर्मेट में रोटेट फ्लिप फ्लिप फ्लिप, हाँ ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये IIDGN की नेम प्लेट बन गई है, हाँ थैंक यू। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जो हाइट का वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी इसमें, एक्चुअली 2.25 है। मैं एक नया बना देता हूँ। सबसे पहले वो ध्यान रखना है कि नेम प्लेट है और लैंडस्केप है मैं, तो सबसे पहले लैंडस्केप ले लेंगे, पेज लेआउट ओरिएंटेशन लैंडस्केप। फिर सब दूसरी बात है कि हमको मार्जिन नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम कम कर देंगे मार्जिन, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ से ज़ीरो, यहाँ से ही हटा लेंगे ज़ीरो, नीचे भी ज़ीरो कर देंगे, हो गया। अब नेक्स्ट है वो इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया, यहाँ पे हम इसका मार्जिन देखेंगे 2.25, अब इसमें एक्चुअली लैंडस्केप है तो इसमें यहाँ पर पूरा ही हटा दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमको जब प्रिंट करते हैं तो ये स्क्वायर चाहिए नहीं होता है, तो ऐसे डायरेक्ट ही हटा दो, उसमें वो करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं IIDGN, कंट्रोल ए बड़ा कर देते हैं, कंट्रोल ई, ये हो गया। इसको फिर से कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट नीचे आ जाएगा, मार्जिन और भी कम कर देनी पड़ेगी, आएगा कि नहीं आएगा, और इसको यहाँ पे डबल क्लिक करो, रोटेट वर्टिकल, तो ये हो गया। इसको और एक चीज़ यहाँ पर है, सिलेक्शन पेन करके है पेज लेआउट में, पेज लेआउट में सिलेक्शन पेन, वो सिलेक्ट करोगे यहाँ पे एक मेनू खुलेगा जिसमें आपके पूरे डॉक्यूमेंट में कितने टेक्स्ट बॉक्स है, कितने इमेजेस है वो दिखेगा। अगर अब ये टेक्स्ट बॉक्स है इसको अगर लाइन राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप फील नो लाइन नो कर देंगे तो दिखेगा नहीं टेक्स्ट बॉक्स है कि नहीं, तो टेक्स्ट बॉक्स अगर सिलेक्ट है वो पता भी नहीं चलेगा। तो ये सिलेक्शन पेन पेज लेआउट में सिलेक्शन पेन में टेक्स्ट बॉक्स वो दिखाई देगा कि कितने हमारे इमेजेस या टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करो तो सिलेक्ट हो जाएगा, दोनों सिलेक्ट करो दोनों सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल से फिर कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल पी पेस्ट,
तो वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा. इसमें एक्चुअली अभी और अच्छा ओके इसमें आ नहीं रहा है तो और भी साइज कम कर सकते हैं इसमें. टू पॉइंट ट्वेंटी फाइव है तो 2.10 कर सकते हैं और भी थोड़ा ऊपर ले लेते हैं. कॉपी कंट्रोल पेस्ट रोटेट वर्टिकल सिलेक्शन पेज में दोनों सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट. ऐसे एक ही में दो प्रिंट कर सकते हैं. एग्जैक्ट माप यहाँ पे वो मिल नहीं रहा है, नहीं तो एग्जैक्ट आ जाता. 2.5 से 2 से थोड़ा सा कम है क्योंकि ऊपर नीचे थोड़ी सी जगह तो वैसे भी चली जाएगी अगर आप पेज मोड़ोगे तो वो सेट कर सकते हैं. तो एक ही पेज में अगर दो नेम प्लेट कर सकते हैं. इसका अगर बैकग्राउंड भी करना हो तो फील और उसमें कर सकते हैं राइट क्लिक करके सेव सॉलिड फिल में कलर, तो कलर प्रिंट में निकाल सकते हैं. तो ये हो गया एक. और नेक्स्ट था एक एनवेलप प्रिंटिंग करना हो तो एनवेलप प्रिंटिंग में लिए के लिए भी एक हमको स्केल चाहिए होगा. यहाँ पे 11 इंच है, 11 इंच बाय 4.75 है, 11 बाय 4.75. तो हम यहाँ पे देख लेंगे कौन सा पेज हमारे साइज के नज़दीक का है. तो 11 बाय 4.75 है तो यहाँ पे 11 है, लेटर साइज हम ले लेते हैं. ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर लेते हैं और मार्जिन में पेपर साइज में विड्थ 11 ठीक है, हाइट में 4.75 चाहिए. 4.75 बस इतना ही करना है. ओके एनवेलप तैयार. यहाँ पे भी अब अगर आप हेडर फुटर में लिख दो टेनिल सोलंकी लिखना, मेरा नाम जाएगा. तो सब जगह ऑटोमेटिक वो हेडर फुटर में भी आ जाएगा. तो आपको हर बार वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पे एड्रेस चेंज करो, प्रिंट निकालो. जब जब एनवेलप जब प्रिंट निकालते हो तो हमेशा ये जहाँ से खुलता है खुलने वाला पार्ट अंदर रखना ज़रूरी है. अगर यूं रखोगे या यूं रखोगे तो नहीं प्रिंट होगा. वैसे प्रिंटर अलग अलग होते हैं जिसमें ऊपर डालो तो नीचे भी प्रिंट होता है, तो ये देख लेना ज़रूरी है. पर ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो खुलने वाला पार्ट है वो अंदर रखना पड़ता है. जो प्रिंटर में दो ट्रे होती है, हमारा छोटा जो प्रिंटर है उसमें दो ट्रे है. तो नीचे वाला जो है जनरली हम A4 साइज में यूज़ करते हैं, ऊपर वाला होता है उसमें हम छोटा करके अंदर फिट कर सकते हैं और इसको प्रिंट निकाल सकते हैं. तो ये हो गया. ठीक है, और किसी को कोई क्वेरी या कुछ हो तो राइट एंगल का यहाँ पे. हाँ इसमें है शायद वो जब किसी
किसमें था इसमें इसमें ये हाँ ये फर्स्ट पेज में ये हाँ ये टैब्स है यहाँ पे अलग हाँ इसको एक समझा देता हूँ एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं यहाँ पे हमको अलग अलग चीज़ लिखनी है जैसे सीरियल नंबर टैब एक टैब दिया नेम एक टैब दिया क्वांटिटी प्राइस अब ये चार चीज़ें हैं अगर हमको टेबल नहीं बनाना है और एक ही पेज में ऐसे प्रिंट करना है तो क्या करेंगे कि सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे एक एरो एल दिख रहा है तो लेफ्ट टैब है मतलब लेफ्ट अदर यहाँ पे जब सिलेक्ट करेंगे तो लेफ्ट टैब के बाद जो भी आपका वर्ड होगा वो प्रिंट होगा यहाँ पे और क्लिक करेंगे तो बीच में आएगा मतलब सेंटर और दोनों साइड प्रिंट होगा राइट होगा अगर कोई अमाउंट लिखनी है तो वहाँ पे होगा जैसे हम फर्स्ट ये लेफ्ट वाला ले लेते हैं लेफ्ट और सीरियल नंबर यहाँ पर है यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक नेम इसके लाइन में आ जाएगा यहाँ पे सेकंड क्लिक करते हैं क्वांटिटी यहाँ पे चाहिए क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगा प्राइस के लिए जनरली क्या होता है कि प्राइस हम लिखते हैं तो राइट अलाइनमेंट ले लिखते हैं तो राइट अलाइनमेंट वाला यहाँ से क्लिक करेंगे राइट अलाइनमेंट प्राइस यहाँ पे करना है ये लेफ्ट वाला है यहाँ पर राइट का आ गया है ऑटोमेटिक इतना सेट हो गया है टैब्स एंटर किया वन ये ऑटोमेटिक ऑटो नंबर ले ला इसलिए वो हट गया कंट्रोल जेड करोगे तो ऑटो नंबर हट जाएगा यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे सरदार क्वांटिटी वन प्राइस 3000 करोड़ तो ऐसे कर सकते हैं अगर सेकंड टू पटेल क्वांटिटी टू 2500 जब लिखते हैं ये वाला ये राइट ही रहेगा ये राइट अलाइनमेंट ही रहेगा जैसे प्राइस में है तो ये यूज़ कर सकते हैं अगर इसमें यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये खुलेगा टैब्स करके अगर सभी टैब्स को निकाल देना है तो क्लियर ऑल ओके सब कुछ तहस महस हो जाएगा टैब्स को हाँ सिग्नेचर हाँ कर सकते हैं ना सिग्नेचर ब्लॉक्स में अगर टैब्स डालेंगे तो जैसे भी वो होगा ऐसे टैब्स में आएगा फॉर्मेटिंग हाँ काफ़ी बार चेंज हो जाती है मैं दिखाता हूँ हर बार चेंज होती है जैसे ये है यहाँ पे एक हमने फॉर्मेटिंग की हुई है ये बीच में कुछ बोल्ड किया हुआ है इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से ये एक इसका फॉन्ट हम ले लेते हैं एरियल फॉन्ट की साइज रख लेते हैं 15 अब यही सेम फॉर्मेटिंग में हमको नए वाले डॉक्यूमेंट में चाहिए तो कंट्रोल कॉपी कंट्रोल एन नया डॉक्यूमेंट कंट्रोल वी पेस्ट इसमें यहाँ पे तो सेम फॉर्मेटिंग में ऑलमोस्ट आ गया पर यहाँ पे नीचे एक दिख रहा है कंट्रोल कंट्रोल के बाद एक है यूज डेस्टिनेशन थीम मतलब जहाँ से आपने कॉपी किया है जो सेक्शन कॉपी किया है उसी का थीम रखना है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग थीम में क्या होगा कि कुछ चीज़ होगी कुछ इमेजेस होगी कुछ ये वो तो होगा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग मतलब जहाँ से जैसे ही आया है वैसा ही रखना है तो ये अगर जैसे यहाँ पे मैंने कंट्रोल टू तो डबल लाइन स्पेसिंग किया हुआ है डबल लाइन स्पेसिंग मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे डिलीट कंट्रोल पेस्ट तो डबल लाइन स्पेसिंग इसमें एक्चुअली आ जाता है क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्ट किया हुआ है अगर सिलेक्ट नहीं है
तो यहाँ पे ये कंट्रोल जब आएगा तो आप चेंज कर सकते हैं, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब जहाँ जैसा वहाँ पर था वैसा ही यहाँ चाहिए। अगर फॉर्मेटिंग कुछ नहीं चाहिए, डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग चाहिए, तो मर्ज फॉर्मेटिंग कर दो, जो यहाँ पे है वो ही रहेगा। और लास्ट है सिर्फ सिंपल फॉर्मेटिंग, कीप टेक्स्ट ओनली, सिर्फ टेक्स्ट आएगा। अगर टेक्स्ट अगर एक्सेल है, एक्सेल से हमने ये कॉपी किया, वर्ड में अगर हम यहाँ पे डालते हैं कंट्रोल पेस्ट तो ये आ गया। अगर यहाँ पे कंट्रोल करके सिर्फ टेक्स्ट करेंगे टेक्स्ट हो जाएगा, टेबल पूरा चले जाएगा। यहाँ पे भी अलग अलग है, जैसे ये किया ऑटोमेटिक जैसे वहाँ पर था वैसा सेम हो गया। फिर इसमें क्या होगा, कभी कभी वो स्पेसिंग और वो जो पहले था, हाँ ये तो इमेज ही हो गया है पूरा, तो सेम वहाँ पर था सीधा कॉपी पेस्ट यहाँ पर हो गया। एक बार वो चले जाएगा फिर चेंज नहीं होगा, इसलिए तुरंत कर लीजिएगा चेंज करना हो तो। जैसे ही पेस्ट करोगे वैसे ही वहाँ पे कंट्रोल दिखेगा, सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। एनी, बाकी तो मैं यहाँ पर ही हूँ, क्वेरी तो चलती रहती है। ठीक है, और कुछ बताना था? फॉन्ट, फॉन्ट नहीं इंसर्ट करना हो, रुपीस का फॉन्ट लाना आता है, डाउनलोड ही करना है, यहाँ पे है वो। इसमें क्रोम में जाइए, गूगल में सर्च करिए रूपी फॉन्ट तो आ जाएगा। कोई गवर्नमेंट की साइट पे से लेना, कुछ ऐसी तैसी साइट में से करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की साइट .nic या .gov.in, उसमें काफ़ी सारी गवर्नमेंट साइट में दिया होता है, वो इंसर्ट करके फिर जैसे डाउनलोड करोगे, जो हम फॉन्ट यूज़ करते हैं वो .ttf फॉर्मेट है उसकी, तो उसकी फॉर्मेट में जाके फॉन्ट कहाँ पे आएगा, प्रोग्राम लैंग्वेज, टाइम सेट नहीं, कहाँ है, गुड, आज मैंने नया सीखा है। हाँ ये सब फॉन्ट आ गए, कोई भी TTF फॉन्ट, कोई भी फॉन्ट जो है वो TTF फॉर्मेट में ही लेना, हिंदी फॉन्ट है, गुजराती फॉन्ट है, या रूपी का फॉन्ट जो करो तो TTF फॉर्मेट, जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, वहाँ से जहाँ डाउनलोड होगा वहाँ से कॉपी पेस्ट, तो डायरेक्ट वहाँ पर आ जाएगा। और कुछ क्वेरी? तेजस, लिस्ट है, इंसर्टिंग पेज नंबर, स्टार्टिंग फॉर स्पेसिफिक पेज, डन, पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, क्रिएटिंग लेबल, टेम्पलेट, डिजायर्ड साइज लेबल, वो हो गया। लेबल नहीं आया, लेबल में एक्चुअली क्या है कि जब हम लेबल, जब MM से आप लेते हो तो लेबल का जो बॉक्स है उसके पीछे उसके साइजेस लिखे होता है, वो साइजेस में वैसे मैंने काफ़ी टाइम से ट्राई नहीं किया है, मतलब जो साइजेस है यहाँ पे ऑप्शन A2 लेटर माइक्रोसॉफ्ट ड्यूरेबल है, मतलब वो जो उसका कंपनी का नाम है यहाँ पे उसके साइजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट में A4 पोर्ट्रेट डिटेल्स, डिटेल्स में यहाँ पे जितनी हाइट वहाँ पे होगी वो दिया होगा साइजेस, तो साइजेस चेंज करके ओके करना है। यहाँ पे जैसे 1.5 हाइट और 2 विड्थ है, ओके, यहाँ पर भी करना पड़ेगा वर्टिकल हाइट 1.5, ओके,
ओके और न्यू डॉक्यूमेंट, तो ये लेबल ऐसा आ जाएगा, पर जो साइज़ वहाँ पे होगी वो स्पेसिफाइड साइज़ है, सो लेबल हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ये एक्चुअली टेबल ही आया है, अगर हम टैप 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 करते रहेंगे तो नेक्स्ट पेज में चलता रहेगा, तो जितना हमको साइज़ चाहिए वो करके सेट कर सकते हैं। क्या कंपेयर? हाँ कंपेयर कंपेयर कंपेयर, यस। ये एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, दूसरा डॉक्यूमेंट है यहाँ पे रिव्यू करके एक ऑप्शन है, रिव्यू में जाके कंपेयर, कंपेयर पे क्लिक करो, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। कहाँ है? सी डी। डेस्कटॉप कहाँ से आएगा इसमें? नहीं भाई, नहीं आ रहा। डेस्कटॉप कहाँ गया? माय कंप्यूटर, क्या? वर्ड ट्रेनिंग, एक IIT गांधीनगर ये वाला ले लेते हैं। जो भी दो डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है, एक IIT गांधीनगर वन सिलेक्ट किया, एक दूसरा है IIT गांधीनगर वेलकम टू गांधीनगर, दोनों अलग अलग है, सिलेक्ट ओपन। यहाँ पे मोर में और सारे ऑप्शंस है, मूव्स मतलब अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट है उसमें कौन सा अगर फॉर्मेटिंग चाहिए, कोई वर्ड अगर है यहाँ से वहाँ मूव किया तो वो दिखाएगा, कमेंट्स है, फॉर्मेटिंग है, केस चेंजेस, वाइट स्पेस, हेडर एंड फूटर, हेडर एंड फूटर अगर डाला हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हेडर फूटर में कंपेयर जैसा कुछ होता नहीं है, फुट नोट एंड नोट टेक्स्ट फोकस। यहाँ पे नीचे वर्ड लेवल और न्यू डॉक्यूमेंट कर दो तो, और ओके, तो जो भी चेंज है वो यहाँ पे दिखेंगे। ये कंपेयर डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा है, ये हमारे दो डॉक्यूमेंट्स है कौन से लिए थे, तो ये आ गया, क्योंकि दोनों में कुछ चेंज नहीं है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे रिविजन्स दिख रहा है, इतना रिविजन्स है, इसकी फॉर्मेट कुछ अलग है। कंपेयर, सिलेक्ट, IIT गांधीनगर ओपन, दूसरा IIT गांधीनगर वन और IIT गांधीनगर ओपन, मूव्स, कमेंट्स, कमेंट्स अगर नहीं है निकाल देते, फॉर्मेटिंग, वाइट स्पेस, हेडर फुटर, फुट नोट्स, ओरिजिनल, कैरेक्टर लेवल, वर्ड लेवल का आपको चाहिए कि कैरेक्टर लेवल का चाहिए तो वो दिखाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट, रिवाइज डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओके ओके हाँ। तो मैंने कौन सा जो ये नया डॉक्यूमेंट आया इसमें ये पूरा ऐड हुआ है, और जो उसमें है उसमें दूसरे वाले डॉक्यूमेंट में नहीं है, जहाँ पे रेड कलर है पूरा ही नया है, लेकिन इसमें शो मार्क, फिर से करते हैं एक और ट्राई।
डेस्कटॉप पे सेव वन, इसको एक कॉपी करता हूँ, एक फाइल बंद कर देता हूँ, न्यू पेस्ट, यहाँ पे कुछ वर्ड एक्सेलेंस निकाल देते हैं, आर्ट्स निकाल देते हैं, निकाल देते हैं, सेव डेस्कटॉप टू, सेव रिव्यू, कंपेयर, कंपेयर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आएगा डेस्कटॉप आ गया, वन फर्स्ट डॉक्यूमेंट को, सेकंड डॉक्यूमेंट को, मूव्स कॉमर्स केस के ओके ओके, हाँ यहाँ पे सिंपल मार्कअप, ऑल मार्कअप, ऑल मार्कअप करेंगे तो क्या क्या हमने फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट से दूसरे में क्या डिलीट किया हुआ है वो यहाँ पे दिखेगा कि सेकंड वाले डॉक्यूमेंट में आगे वाले डॉक्यूमेंट से इसका डाउन डिलीट किया गया है। जैसे वो ट्रैक चेंजेस में हम सिलेक्ट करते हैं वैसा ही है, सेम फॉर्मेट, कुछ चेंज नहीं है। अगर बड़ा सा डॉक्यूमेंट है तो भी ये कर देगा, अगर कोई चेंज नहीं है, अगर सेम है ये वाला है डॉक्यूमेंट टू, कॉपी, न्यू पेस्ट, सेव डेस्कटॉप थ्री, सेव। अगर कंपेयर करेंगे, कंपेयर कंपेयर थ्री नहीं टू और थ्री, जो दोनों सेम है तो करेंगे तो वर्ड फाउंड नो डिफरेंसेस, तो कोई डिफरेंस नहीं है वो भी, मतलब दोनों डॉक्यूमेंट सेम है, दोनों से आप, दोनों में से आप एक डिलीट कर सकते हो, ठीक है। पर मार्कअप ये सिंपल मार्कअप है, ऑल मार्कअप वो कर लीजिए क्योंकि सभी कंप्यूटर्स का डिफ़ॉल्ट सेटिंग अलग अलग होता है, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या डिफ़ॉल्ट है तो इसलिए वो नहीं मिलेगा, नो मार्कअप में वो नहीं मिलेगा, इसलिए ऑल मार्कअप हो तो ही पता चलेगा कि कितनी चीज़ें चेंजेस हुई है दोनों डॉक्यूमेंट में, ठीक है। एनीथिंग, ग्रेट टेनिस, एवरीथिंग वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, वी से आउट ऑफ द वर्ल्ड, दिस वॉज एवरीथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, गुड, वेरी नाइस इनिशिएटिव। और बॉटम लाइन यही है कि एवरी मास्टर वॉज वंस अ बिगिनर हु नेवर गेव अप, है ना, एंड लर्निंग नेवर स्टॉप्स, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। तो जितना काम करते जाएंगे उतना सीखते जाएंगे, है ना, और सीखने का कोई अंत नहीं है, राइट, लेकिन सेशन का अंत है, थैंक यू ऑल।